है, जगह जगह पर चेकिंग किए जा रहे हैं। लगातार जो पुलिस के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, और इसी कड़ी में आचार संहिता भी लागू है। और आज राज्य स्थापना दिवस है, हर साल राज्योत्सव का आयोजन किया जाता है, पर इस साल आचार संहिता के कारण राज्योत्सव को कैंसिल कर दिया गया है। और अब सीधे भिंड की ओर रुख करेंगे। भिंड से हमारे संवाददाता आदित्य द्विवेदी हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। जी आदित्य, आज भिंड में क्या कुछ खबरें हैं जो सुर्खियों में रहने वाली हैं? जी छाया, बिल्कुल आपको बता दूं कि हम भिंड जिले की गोंद विधानसभा क्षेत्र में अभी मौजूद है। तो यहाँ लगातार बीजेपी प्रत्याशी और कांग्रेस प्रत्याशियों का जनसंपर्क जारी है। हालांकि अभी TV24 की टीम ने कांग्रेस प्रत्याशी जो देसाई जी है, केशव देसाई, उनसे बातचीत की। तो उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी तो हमेशा झूठ बोलती है, बीजेपी झूठे वादे करती है, बीजेपी झूठी घोषणाएं करती है, बीजेपी झूठे शिलान्यास करती है। 18 साल की जो सरकार में जनता उब चुकी है, अब निश्चित रूप से परिवर्तन चाहती जनता, और मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत से कमलनाथ की सरकार बनेगी, ऐसा अभी गुआ देसाई का भी अभी उन्होंने जस्ट TV24 की बातचीत में अभी कहा है। और भिंड जिले की 5 विधानसभाओं पे कांग्रेस जीत दर्ज कराएगी, और साथ ही इसी के साथ पूरे प्रदेश में 100% बहुमत से कांग्रेस सरकार आएगी, और वहाँ जो है कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। बीजेपी तो केवल वादे और झूठे ये जो करती है, बस तो इसी पर टिकी हुई है, इसी इन्हीं मुद्दों के साथ वो जनता के साथ है, मैदान में कूदी है, और जनता को झूठ के अलावा और कुछ नहीं परोस रही है, ये गतिविधियां। और साथ ही आपको बता दूं कि कानून व्यवस्था की बात करें तो भिंड SP ने अभी भारी मात्रा में जो है इनाम घोषित किया है आरोपियों पर जो फरार चल रहे हैं, उन पर इनाम घोषित किया है। और जिला बदर की कार्रवाई भी जिला निर्वाचन अधिकारी यानी कलेक्टर भिंड संजीव कुमार श्रीवास्तव के द्वारा की गई है। तो इस तरीके की लगातार पुलिस की कार्रवाइयां जारी है, अंतराजी नाकों पर भी है। जी आदित्य, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये थे हमारे संवाददाता भिंड से आदित्य द्विवेदी, जो भिंड की तमाम बड़ी अपडेट्स हम तक सीधे पहुंचा रहे थे।